Hello, dear students. Welcome to the class today. So, children, you know, we are carrying on with the second chapter in economics, sectors of the Indian economy. We are trying to understand the working of the Indian economy, the basic working of the Indian economy, where we are understanding the primary, secondary, and the tertiary sector. The three sectors that are working, these three sectors are very important. Apart from that, these three sectors are dependent on each other. Primary ke bina secondary ka kaam nahi chalega, bilkul nahi chalega. In the last class, we have discussed about few examples where we understood that how primary is dependent on secondary, secondary is dependent on primary, sugar cane. अगर फार्मर्स ने मना कर दिया शुगर केन जागरी फैक्ट्री को या शुगर फैक्ट्री को देने से तो वो इंडस्ट्री ठप हो जाएगी. तो यहां पे वी फाइंड दैट हाउ इम्पॉर्टेंट द सेकेंडरी सेक्टर इज देयर एंड हाउ इम्पॉर्टेंटली दे आर फंक्शनिंग द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी. नाउ व्हेन वी अंडरस्टैंड दीज फंक्शंस, जब इन फंक्शंस को हम समझने की कोशिश करते हैं, देन वी गेट टू नो दैट the final product is only counted. In the last video, we have taken the example of biscuit manufacturing. जब हमने biscuit manufacturing समझा, तो it was coconut cookies. So coconut cookies के लिए what we understood is आटा आया, coconut आया, oil, शुगर, बटर एंड कुछ और आप समझ लो सम ड्राई फ्रूट्स. लेकिन इट वॉज इन बल्क 10,000 केजीज ऑफ व्हीट, व्हीट फ्लावर, व्हीट नहीं फ्लावर, ठीक है. 8 रुपए केजी का पड़ा, 10,000 केजी है ना, तो 8,000 रुपए में ये इनको पड़ा. आप ये देख लो दैट हाउ इम्पोर्टेंट द बल्क मैन्युफैक्चरिंग इज, कितने लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट मिला, प्लस कितने लोगों का काम इसी पे टिका हुआ है. हाउ मेनी पीपल्स जॉब इज रेस्टिंग ऑन दिस सिस्टम, गॉट इट. सो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर काउंटेड. तो बिस्किट जो मार्केट में आ रहा है, विच इज 15 रुपीज पर पैकेट, इन दैट 15 रुपीज द कॉस्ट ऑफ व्हीट फ्लावर, ऑयल, कोकोनट, शुगर, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो वेन एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, दैट इज हाउ द मैन्युफैक्चरिंग हैज हैपेंड. उसी हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग हुई है, उन पैसों को इंक्लूड करके. भाई बिस्किट फैक्ट्री भी, वाई दे विड गो फॉर एनी काइंड ऑफ लॉसेज? इन फैक्ट 15 रुपीज में 3 to 4 रुपीज माइट बी द प्रॉफिट ऑफ द बिस्किट कंपनी. प्रॉफिट होगा तभी तो बिजनेस करेंगे, ब्लाइंडली थोड़ी बिजनेस करना है. देयर हैज टू बी सम एक्स्ट्रा एडवांटेज इन डूइंग दिस काइंड ऑफ बिग बिजनेस. अब क्या होता है, व्हेन इकोनॉमी इज काउंटेड, देन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेस are taken into consideration. Final goods and services. अब सवाल ये आता है, क्यों why only final goods and services are considered? Final goods and services are considered because जैसे wheat है, wheat flour are intermediate goods. अब क्या है, wheat और वीट फ्लोर, आटा आर, इसको हम फाइनल प्रोडक्ट नहीं कहेंगे. दीज आर द इंटरमीडिएट गुड्स. इंटरमीडिएट बीच में इस्तेमाल हुआ है, फाइनल एंड प्रोडक्ट इज समथिंग एल्स. इन सब चीजों को मिला के एंड प्रोडक्ट बनाया गया है. एंड प्रोडक्ट इज द बिस्किट. ओके, इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग. प्लीज अंडरस्टैंड दैट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस.
final goods and services cannot be formed if intermediate goods are not there. So intermediate goods are used to manufacture final products. फाइनली जिन चीजों को प्रोड्यूस करना है उसके लिए ये इंटरमीडिएट गुड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है. नाउ वैल्यू ऑफ जो फाइनल गुड है दैट इज द बिस्किट पैकेट. बिस्किट पैकेट इज ऑलरेडी इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स. ठीक है, फाइनल गुड को बनाने में ये जो इंटरमीडिएट गुड्स का इस्तेमाल किया गया है वो सारा इंक्लूडेड है. सो द कॉस्ट ऑफ 4 पैकेट बिस्किट, ठीक है, 4 पैकेट बिस्किट जो बन रहा है, दिस इज द फाइनल गुड. हमने जो एग्जांपल देखा इज ऑलरेडी इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ फ्लोर, इज इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ फ्लोर. आटे का कॉस्ट इसमें एडेड है. गॉट इट, फ्लावर. सो अब इसी से अंदाजा लगाओ क्या क्या था, और शुगर, ऑयल, कोकोनट, दीज गुड्स आर इंटरमीडिएट. ठीक है, सो द फाइनल गुड जो बना है उसमें ये सारी चीजों का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें कि बिस्किट का जो कॉस्ट है द सीपी ऑफ द गुड इज इंक्लूडिंग ऑल दीज, ये सारा उसमें जो है वो इंक्लूडेड है. तो दिस इज व्हाट इज द जिस्ट ऑल अबाउट. तो काउंटिंग सेपरेटली देयरफॉर इज नॉट करेक्ट, बिकॉज देन अब तो सेम थिंग्स को हमको, जैसे कि 14 पैकेट 10 पैकेट्स ऑफ बिस्किट है तो 10 पैकेट में फिर वी विल बी एडिंग द व्हीट का कॉस्ट, द शुगर का कॉस्ट, द ऑयल का कॉस्ट. सही नहीं है, और कितना बड़ा टास्क हो जाएगा. हमने खाली बिस्किट का पैकेट का कॉस्ट ले लिया, बिस्किट के कॉस्ट में बिस्किट पैकेट कॉस्ट इंक्लूड्स ऑल द कॉस्ट दैट आर देयर. ओके, so this is what we are talking about, the value of final goods and services produced in each sector during a particular area provides the total production of the sector for that year. ठीक है, तो अब economic basic, now we are moving towards the second level of economy. नाइन्थ में आपने बेस पढ़ा था, अब ये टेंथ में जो आप पढ़ रहे हैं, हियर वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विसेस प्रोड्यूस्ड, क्योंकि हम सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेस को ही काउंट करेंगे. इन ईच सेक्टर during a particular year, एक साल में वहां पे जितनी भी manufacturing हुई है, ठीक है, provides the total production of the sector for that year. Provides the total production of the sector for that year. उस साल के लिए. तो अब ये प्रोडक्शन ऑफ ऑल द थ्री सेक्टर, प्राइमरी का हम अलग काउंट कर लेते हैं, वीट प्रोडक्शन जो वहां पे हुआ दैट इज काउंटेड सेपरेटली, शुगर केन दैट इज प्रोड्यूस दैट इज काउंटेड सेपरेटली, शुगर इज काउंटेड सेपरेटली, ठीक है. लेकिन बिस्किट का जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ उसमें वीट का भी कॉस्ट इज इंक्लूडेड, शुगर का भी कॉस्ट इज इंक्लूडेड,
फाइनल प्रोडक्ट को ही हम देख रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट इन ऑल द थ्री सेक्टर्स, वेदर इट्स प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी, ऑल द थ्री सेक्टर्स द फाइनल प्रोडक्ट दैट इज देयर इज टेकन इन टू काउंट एंड सम ऑफ ऑल दीज थ्री सेक्टर्स गिव अस द जीडीपी. सो अब एक्सप्लेनेशन फॉर जीडीपी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीके पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, दैट द सम ऑफ द प्रोडक्शन इन द थ्री सेक्टर्स, सम ऑफ द प्रोडक्शन इन थ्री सेक्टर्स, गॉट इट? तीनों सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ है एंड गिव्स अस जीडीपी. इन तीनों को जोड़ के हमको क्या मिल जाता है? जीडीपी मिल जाता है. इट इज द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड इट इज द वैल्यू ऑफ द फाइनल, इट इज द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेस प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री, प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर. ठीक है, एक साल में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उन सारे को मिला के हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमको क्या हो रहा है? जीडीपी मिल रहा है. लेकिन अलग अलग सेक्टर्स का कैलकुलेशन अलग अलग होता है. दैट इज हाउ द जीडीपी इज कैलकुलेटेड इंडिया में. अब ये बहुत बड़ा काम है ना, छोटा मोटा काम नहीं है. सो इन इंडिया दिस टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री. सेंट्रल गवर्नमेंट ही ये काम करती है. स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट, स्टेट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग ऑल द डिटेल्स बट देन कैलकुलेटिंग द जीडीपी इज द वर्क ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. प्लीज अंडरस्टैंड. सो इन इंडिया द टास्क ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी, ये दिस इज इंपॉर्टेंट. जीडीपी इज डन बाय सेंट्रल मिनिस्ट्री. गॉट इट? सेंट्रल गवर्नमेंट इज डूइंग दिस मैमथ टास्क. मैमथ मीन छोटा मोटा काम नहीं, दिस इज अ बिग टास्क. दैट्स वाई सेंट्रल गवर्नमेंट इज टेकिंग एंड वेरियस अदर डिपार्टमेंट्स आर ऑल्सो देयर विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑल इंडियन स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज डेटाज आर कलेक्टेड. Various departments collect data from, क्योंकि हर एक राज्य से, from states and union territories. ठीक है, and calculate the end product. लास्ट में ये कैलकुलेशन हो रहा है जिसके बाद की द जीडीपी इज बींग फाइनलाइज्ड. टोटल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर प्रैक्टिसेस एंड देयर प्राइजेस, दिस इज हाउ द जीडीपी इज एस्टिमेटेड. तो ये जो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी है, this primary secondary and tertiary has taken a has gone through a long method. Historical changes have been there in this sector. Historical changes in this sector. Kya hai ye? What are these changes? These changes are those changes जहां once upon a time primary was very important, वहां पे suddenly secondary has become important.
और अभी तो प्राइमरी सेकेंडरी पीछे छूट गए हैं, द सर्विस सेक्टर दैट इज द टर्शियरी सेक्टर हैज बिकम मोर इम्पोर्टेंट. मैक्सिमम पीपल इन इंडिया आर एम्प्लॉयड इन द टर्शियरी सेक्टर, बिलीव मी चिल्ड्रन दैट्स अ फैक्ट. गॉट इट? तो दिस इज वॉट दैट द हिस्टोरिकल चेंजेस हैड हैपेंड. वी विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस चेंजेस. गॉट इट चिल्ड्रन? सो वेन वी आर अंडरस्टैंडिंग द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेस आर काउंटेड tertiary, secondary and primary. Abhi I have changed the sequence, otherwise it's always primary, secondary and tertiary. Dekho, in today's time we cannot say ki haan primary important hai or secondary important or tertiary. All the sectors hold importance, all the sector have their own importance in their own manner. Lekin kyunki dekho primary hai, primary se sara dal chawal khana pina aa raha hai. प्राइमरी पे अगर थोड़ी भी डाउट्स आती है, अगर इफ देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम इन प्राइमरी, तो सेकेंडरी और टर्शियरी में तो प्रॉब्लम हो ही जाएगी. अरे भाई साहब, जब खाने के लिए ही नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स एंड हिस्टोरिकल चेंजेस इन दिस सेक्टर. अभी हमेशा क्या होता है हिस्ट्री से, डेवलप्ड कंट्रीज की भी हिस्ट्री अगर देखेंगे तो when development had started, तो it was always primary sector. Primary sector was the most important sector of economic activity. Primary sector was most important. ये तो मानोगे ही भाई, कोई भी country हो, चाहे London हो, चाहे England हो, चाहे America हो, was most important सेक्टर. ठीक है, जितने भी सेक्टर्स आए हैं इसके बाद वाले जो हैं वो थोड़ा सा इससे कम ही है प्राइमरी. लेकिन अब क्या हुआ, फार्मिंग सिस्टम चेंज्ड है ना. आई मीन कृषि, एग्रीकल्चरल वेज एंड मेथड्स वेयर चेंजिंग एज अ रिजल्ट द मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज्ड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बिगन टू प्रॉस्पर. मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज, डेवलपमेंट हो रहा था ना. सो व्हेन डेवलपमेंट इज हैपनिंग द फर्स्ट चेंज दैट विल हैपन इन द प्राइमरी सेक्टर. द फार्मिंग मेथड्स वेयर चेंजिंग एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बिगन टू प्रॉस्पर. चेंज एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बिगन टू प्रॉस्पर. Agriculture sector began to prosper. अब जब ये बढ़ने लग गए तो इनको लगा कि they needed some help. Help? किस तरह की help की बात कर रहे हैं? अब आप ये समझो, अब agricultural sector has improved, technical implements are being used. तो पहले 10 लोगों का 10 लोग मिलके जो काम कर रहे थे वो 5 लोग ही कर पा रहे थे. तो 5 पीपल आर सरप्लस इन दैट वर्किंग प्लेस. जहां भी जो भी काम हो रहा है वहां पे 5 पीपल वेयर एक्स्ट्रा. दीज 5 पीपल व्हाट विल दे डू? दे स्टार्टेड लुकिंग अप फॉर अदर एक्टिविटीज. बाकी के कामों में अपना मन लगाने लग गए, बाकी के काम करने लग गए. तो अब क्या हो गया, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज इंक्रीज. पहले बहुत कम खेती होती थी, लेस एग्रीकल्चर वॉज देयर, ट्रेडिशनल मेथड्स वेर यूज. बट नाउ व्हेन डेवलपमेंट हैड हैपेंड द एग्रीकल्चरल सेक्टर हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट. एज अ रिजल्ट बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस इंक्रीज. जीडीपी का कॉन्सेप्ट आई होप इट्स क्लियर. प्लीज रिमेम्बर द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी. हम हिस्टोरिकल सेक्टर्स के चेंज की बात कर रहे हैं क्योंकि when the agricultural sector improved, the output was increasing. As a result, people started thinking of other ways and methods of occupation. So agricultural output increase ho gaya, to buying and selling also increased. Kharidna bechna bhi badh gaya na, obviously jyada khariddari hone lag gayi, ज्यादा बिक्री होने लग गई. एंड क्राफ्ट्स पर्सन इंक्रीज, ट्रेडर्स इंक्रीज, बाइंग एंड सेलिंग इंक्रीज मेनी टाइम्स. पहले जो थोड़ी बहुत
खरीद फरोख्त होती थी, अब वो बहुत हाई लेवल पे द बाइंग एंड सेलिंग वॉज हैपनिंग। अब जब इतना इंक्रीज हो गया है तो अब आगे इसमें और कौन लोग चाहिए? ट्रांसपोर्टर्स वेयर नीडेड, गॉट इट, ट्रांसपोर्टर्स की जरूरत महसूस की गई एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। इतना बड़ा सिस्टम को कंट्रोल भी तो करना है, सो एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड उसको प्रोटेक्ट भी करना है, सो आर्मी एक्सेट्रा, दिस ऑल इंक्रीज टू अ वेरी हाई एक्सटेंट। लेकिन क्या हुआ एट दिस स्टेज, अब यहां पे मोस्ट ऑफ द गुड्स दैट वेयर प्रोड्यूस्ड वेयर नेचुरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर। मोस्ट ऑफ द गुड्स, जीडीपी की बात हो रही थी ना, वेयर प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी सेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर, गॉट इट। फिर क्या हुआ कि ये देखो यहां पे स्कोप वॉज डेवलपिंग फॉर अ डिफरेंट सेक्टर एंड दैट वॉज द सेकेंडरी। ओवर अ लॉन्ग टाइम, काफी दिन तक ऐसा हुआ, मोर देन 100 ईयर्स, न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वेयर इंट्रोड्यूस्ड। पहले ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वेयर यूज, बट नाउ वॉट हैपन, न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड। सेकेंडरी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग इंट्रोड्यूस हो रहा है, फैक्ट्रीज केम अप एंड स्टार्टेड एक्सपैंडिंग, फैक्ट्रीज केम अप एंड अब क्या हुआ, पहले फैक्ट्रीज नहीं थी, पहले घर ही में लोग मैन्युफैक्चरिंग कर लेते थे, एंड क्या हुआ कि अब ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वॉज एक्सपैंडिंग। सेकेंडरी सेक्टर ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सेक्टर, रिमेंबर द पीपल हु हैड अर्लियर वर्कड ऑन फार्म्स, पहले जो खाली खेतों में काम करते थे, नाउ स्टार्टेड वर्किंग इन फैक्ट्रीज इन लार्ज नंबर्स। सो व्हाट हैपेंड, जस्ट सी हाउ द चेंजेस आर हैपनिंग, नाउ पीपल स्टार्टेड वर्किंग इन फैक्ट्रीज, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, काफी सारे लोग जो है एग्रीकल्चरल सेक्टर छोड़ छोड़ के फैक्ट्रीज में आके काम करने लग गए, एंड कितनी बार तो जबरदस्ती भी काम करवाया जाता था। पीपल यूज टू ओपन द इंडस्ट्रीज, फिर उनको लगता था इन इंडस्ट्रीज पे काम कौन करेगा, हु वुड बी वर्किंग इन दीज इंडस्ट्रीज, सो मोर एंड मोर पीपल हु वर देयर इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, दे वर फोर्स्ड एंड दे वर कॉल्ड टू वर्क इन दीज एग्रीकल्चर इन दीज इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, एंड पीपल बिगन टू यूज मोर गुड्स दैट वर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। अब ऑब्वियसली हैंडमेड गुड्स आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, सो नाउ वॉट हैपन, पीपल स्टार्टेड यूजिंग फैक्ट्री प्रोडक्ट्स। अब फैक्ट्री में जो चीजें मैन्युफैक्चर हो रही हैं वो चीप होती थी, भाई मशीनें काम कर रही है ना, ह्यूमन हार्डवर्क, खाली मशीनें ऑपरेट करना पड़ रहा है अब ह्यूमन बीइंग को, उनको पूरे दिन रात द कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट वॉज नॉट देयर, सारा तरीके से इन्वॉल्वमेंट जो है यहाँ पे नहीं था। पीपल स्टार्टेड यूजिंग फैक्ट्री प्रोडक्ट्स एट चीप रेट्स, कम पैसे में लोगों को फैक्ट्री प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोवाइड हो रहे थे। अब क्या हुआ कि सेकेंडरी सेक्टर बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट में नाउ सेकेंडरी सेक्टर वॉज बिकमिंग इम्पॉर्टेंट, ठीक है। देखो एग्री फ्रॉम द प्राइमरी हाउ द सिस्टम इज शिफ्टिंग टू द सेकेंडरी, प्राइमरी से सेकेंडरी का जो शिफ्ट था वो किस तरह से हुआ, इसको समझने की कोशिश करें आप, got it, so
सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम इम्पॉर्टेंट. धीरे धीरे होता है, दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस. आराम आराम से ही ये सारा काम होता है एंड ओवर टाइम अ शिफ्ट हैज टेकन प्लेस. प्राइमरी जहां सबसे इंपॉर्टेंट था, नाउ सेकेंडरी स्टार्टेड टेकिंग ओवर एंड सेकेंडरी सेक्टर स्टार्टेड बिकमिंग मोर इम्पॉर्टेंट. सो द सेक्टर चेंज हैज इज वेरी विजिबल हियर फ्रॉम प्राइमरी people shifted to secondary sector. ठीक है, प्राइमरी से यहां पे आप देखिए कि सेकेंडरी के तरफ शिफ्टिंग शुरू हो गई. अब पास्ट 100 ईयर्स में देयर हैज बीन फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शियरी सेक्टर, स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज में. इन पास्ट 100 ईयर्स there has been a shift from secondary to tertiary sector. ठीक है, ये शिफ्ट आपको बहुत ही एविडेंटली नजर आएगा, बहुत ही क्लियरली नजर आएगा. सर्विस सेक्टर इज बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन. किस, क्योंकि आज क्या हो रहा है ना, व्हेन यू गो टू बाय सपोज द एंड प्रोडक्ट, द फाइनल प्रोडक्ट इज टेलीविजन. आप टेलीविजन खरीदने जाते हो, आप टेलीविजन बाद में देखते हो, आप पूछते हो सर्विसिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी. घर में आके आदमी, हाँ हाँ मैडम कोई भी शिकायत होगी, कोई भी शिकायत होगी, आप भी घर पे आके ठीक करके जाएगा. These kind of statements you will very often find with the people who are providing services to you. इसी से आप देख लीजिए, उनको पता है कि वो घर में आके सर्विस प्रोवाइड करके जाएगा. द पर्सन जहां से आप ये परचेज कर रहे हैं, द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन, दे आर बाउंड टू प्रोवाइड यू सर्विसेज. दैट इज वॉट इज मैंशनड हियर, कि सर्विस सेक्टर became more important. आप सर्विस सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ गई. सर्विस जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, द पीपल हु आर मोस्ट वर्किंग पीपल आर एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर. मोस्ट वर्किंग पीपल आर एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर. इसी सेक्टर में ज्यादातर लोग आपको काम करते हुए नजर आएंगे. आजकल का यही ट्रेंड है, दिस इज वॉट इज द ट्रेंड नाउ अ डेज. तो वेन द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन ऑल द थ्री सेक्टर्स इन इंडिया ओवर द ईयर्स दीज हैव चेंज्ड अ लॉट, देयर हैज बीन अ शिफ्ट टू दिस पैटर्न. डेवलप्ड कंट्रीज में ये नेक्स्ट सेक्शन, अब हम समझते हैं कि ये प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी का व्हाट इज द कनेक्शन, हाउ ऑल ऑफ दीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर. एक छोटा सा स्मॉल एक्सरसाइज इज देयर वेयर सम क्वेश्चंस आर टू बी सॉल्व. चिल्ड्रन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस दैट आर गिवन इन बिटवीन द चैप्टर. यू नीड टू सॉल्व दीज क्वेश्चन. जैसे what does the history of developed countries indicate? Developed countries ka history kya indicate karta hai? That there has been a shift from primary to secondary and in today's time tertiary is the most important sector. Service sector, this is the shift that we see jisme ki we find service sector as being the most important one. Uske baad there has been a jumbled sentence hai. The complete sentences that are given there are in the jumbled form. उसको आपको correct करना है. You have to see how the shift in the production has happened and this shift in the production has led to increase in the sectors that are giving providing us services.
तो मतलब बार बार जो चीज इंपॉर्टेंट आपको बताई जा रही है दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सर्विस सेक्टर. गॉट इट. टर्शियरी सेक्टर एंड इट्स इम्पोर्टेंट नीड टू बी अंडरस्टूड. टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जब हम कैलकुलेट करते हैं, व्हेन वी कैलकुलेट हाउ वी कैन कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय यूजिंग द मेथड ऑफ वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज. ईच स्टेज आटा इस्तेमाल हुआ, गेहूं, शुगर, ऑयल, एवरीथिंग दैट हैज बीन इन्वॉल्व, हाउ मच वॉज द इम्पोर्टेंस. ओके, दिस विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू.